भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में हरितालिका 30 सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि भार्गव सेवा महिला समिति के तत्वाधान में सावन के इस माह में शपथ ग्रहण समारोह तथा कजरी सांस्कृतिक का कार्यक्रम किया गया। वहीं भार्गव सेवा समिति के अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सुश्रिया त्रिपाठी ने बताया कि हम सभी महिलाएं हरियाली तीज का उत्सव मना रहे हैं तथा सभी महिलाएं हरी साड़ी चूड़ी तथा मेहंदी में सजकर सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समिति का लक्ष्य है कि हम सभी महिलाएँ समाज की सेवा करें और जो भी समाज को ज़रूरत हो वो हम करें। इस अवसर पर सरोज पांडे, पूनम मिश्रा, सुप्रिया द्विवेदी, अर्पिता उपाध्याय, रानी मिश्रा, प्रियंका दुबे, किरण दुबे, बीना पाठक, रंजना मिश्रा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति की अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सुश्रिया त्रिपाठी एवं पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर सुश्रेया तिवारी है। आज हमारे भार्गव सेवा समिति का पहला ग्रैंड प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जो कि हरियाली तीज का सेलिब्रेशन है। आप देख सकते हैं कि सारी औरतों ने आज ग्रीन पहना हुआ है, मेहंदी लगाई हुई है और फुल श्रृंगार किया है। तो आज सब हम यहाँ अपनी संस्था के लोगों के बैच सेरेमनी के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं हरियाली तीज का, जिसमें हम लोगों ने 3 क्राउन रखे हैं, जिसमें हम लोगों का टारगेट है कि हम हर एज के तीज क्वीन बनाएं। एक किशोर अवस्था की लड़कियाँ जो कि आई हुई हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको भी बनाएं। एक मिडिल एज की भी जो हैं हमारी लेडीज़, उनमें से भी एक हमारी तीज क्वीन हो। और हमारी जो एल्डरी आंटी लोग हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी लोग कुछ परफॉर्मेंस करें। और वो लोग जैसा कि आप सब देख रहे हैं कजरी गा ही रहे हैं और परफॉर्मेंस भी कुछ कुछ कर ही रहे हैं और ड्रेस कोड भी फॉलो किए हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी जब मैं उन्हें क्राउन करूंगी। और हमारे आज के इस पहले ग्रैंड प्रोग्राम में हमारे वरिष्ठ लोगों में से किसी को आज तीज क्वीन बनाया जाएगा। हमारी समिति का लक्ष्य है कि हम सभी महिलाएं, मैंने अपनी समिति में ज़्यादातर हाउसवाइफ महिलाओं को लिया है जो कि चाहती हैं समाज सेवा करना लेकिन निकल नहीं पाती हैं, तो मैं इन सारी महिलाओं के साथ मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें प्रोफेशनली एक्टिव महिलाएं भी हैं जो कि जॉब भी करती हैं। हम सब महिलाएँ मिलकर कुछ काम ऐसा करना चाहते हैं जो समाज में हो, समाज में नारी सशक्तिकरण का काम करना चाहते हैं, समाज के जिस भी तबके को हमारी ज़रूरत हो और हम जो भी छोटी सी छोटी मदद उनके लिए कर सकते हैं वो करना चाहते हैं, समाज में संदेश देना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं स्वास्थ्य के प्रति और जो भी ज़रूरी है हरियाली के प्रति। जैसे हमने एक वृक्षारोपण का भी समारोह किया था, तो और बच्चों के साथ अनाथ आश्रम में जाके हमने बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे समाज के और भी लोगों को प्रेरणा मिले और भी महिलाएँ आगे आएँ और आगे आके समाज के लिए कार्य करें। महिलाओं से ही समाज निर्मित होता है, सभी महिलाएँ अपने घर में बहुत कार्य करती हैं, अपने घर को निर्मित करने वाली महिलाएँ ही होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि कुछ महिलाएं बाहर भी आएं और समाज में हम सब मिलकर एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। भार्गव सेवा समिति के महिला विंग के तत्वाधान में आज सावन के इस मौसम में शपथ ग्रहण समारोह था और साथ ही
सावन के प्रोग्राम का कजरी वगैरह तरह तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ और बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में हर महीने में कोई न कोई त्यौहार रहता है। सावन का जो महीना है वो प्रकृति का एक ऐसा वो है कि कहते हैं प्रकृति पूरी तरह से पृथ्वी पर अपना अंगड़ाई लेती है और इस मौसम में तरह तरह के त्यौहार होते हैं बड़ी। और आज बहनों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उसमें हमें आमंत्रित किया, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं बहनों के पूरे सकल परिवार के साथ और बधाई आज इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।